यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद हमने सी आउट लेस देन एंड लाइन लगा के दो बार, और यहाँ पे हमने कहा सी आउट लेस देन प्लेस प्लेस ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर प्लेस करेगा यूजर, ठीक है, इनपुट रख लिया हमने आ गया। तो यहां पर ऑर्डर के नाम से इंटीजर एक ले लेंगे, इंटीजर ऑर्डर इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, जीरो कर दी हमने उसकी, और यहां पे लाके हमने लिखा ऑर्डर सी एन ग्रेटर देन ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर इनपुट करेगा। रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है। वन तो ऊपर ही चला गया, तो ये ऐसे करेगा फॉर इस तरह से, ठीक। तो यहां पर हमने इस तरह से आ गया। अब ऑर्डर चूज करने पे दरअसल उसको क्या करना है कि बिल भी बनाना है कि बिल कितना उसका बना, ठीक है। तो यहां पर होगा कैसे, अब लास्ट टाइम हमने जो इफ की कंडीशन को इस्तेमाल से करना सीखा था वो सीखा था हमने लेटर्स को ए बी सी के साथ, अब हम इफ की कंडीशन को एक दूसरे स्टाइल में यूज करेंगे और नंबर्स में चेक कराएंगे। जैसे इफ स्टार्ट ब्रैकेट कह रहे हैं कि इफ ऑर्डर इज इक्वल टू बराबर वन के हो, ठीक है, तो क्या करना है। इस चीज को हम इस तरह से परफॉर्म करा सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसके ब्रैकेट्स लिए और ये इसके जो मेन ब्रैकेट्स थे वो हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिए, और ये इसको यहाँ पे इस तरह से स्टार्टअप एंड कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके हमने कहा कि भाई अगर ऑर्डर की वैल्यू वन है सो व्हाट, तो यहाँ पर हमने फिर करना ये है कि अब इनके प्राइस सेट करने हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सारा काम शुरू में ही कर लें तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं शर्ट्स का, ठीक है, ये शर्ट्स का प्राइस क्या होगा, सपोज 1000 रुपीज की है शर्ट, इंटीजर हमने ले लिया पैंट्स, तो पैंट्स 2000 रुपीज की है, इंटीजर ले लिया हमने सपोज टू बी कैप, कैप जो है इसका 500 रुपीज का है, इंटीजर करके हमने ले लिया सपोज टू बी शूज, शूज जो है वो तकरीबन 3000 रुपीज के हैं। तो इस तरह हमने आइटम्स के प्राइस भी इस पर सेट कर दिया, साथ साथ इंटीजर करके हमने इस पर टैक्स भी ले लिया कि टैक्स कितना लगाना है इन चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर हमने 15% का टैक्स का रेशो रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आ गया इसका प्राइस कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ गई वो करना ही है उसको कि भाई कि वो जो भी एंट्री कर रहा है ऑर्डर के अंदर वो वहाँ पर उसको कोई वैल्यू वहाँ पे उसको दे, किसको दे। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया इंटीजर और गेट बिल के नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर दी। यहाँ पर हमने आगे सिंपली ये लिखा कि अगर उसने वन सेलेक्ट किया तो गेट बिल जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दे जो भी शर्ट्स वाले वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। मतलब अगर उसने शर्ट को सेलेक्ट किया है तो शर्ट्स वाले वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो इसको असाइन कर दी जाए, या आसान अल्फाज में हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो जो भी शर्ट की वैल्यू होगी वो किसको दे दी जाएगी, गेट बिल को। अब गेट बिल हमारा एक दूसरा वेरिएबल है जो इनसे वैल्यू लेने का काम करेगा, इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, जरा सही लिखिएगा मामला थी। तो अब ये देखिए यहाँ पे सेट है। अच्छा, अब इफ के साथ एक तो हमने सीखा था लास्ट टाइम एल्स है ना, इफ के साथ एक और चीज हम यूज करते हैं उसको कहते हैं एल्स इफ। क्या एल्स इफ? हम ऐसा भी कर सकते हैं बार बार इफ के ऑर्डर को बार बार लिखे, इफ को बार बार लिखने में इफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम चलेगा तो वो सारे इफ को चेक करेगा और जिसमें कंडीशन फॉल होगी उसको परफॉर्म करेगा। अगर इफ और एल्स लिख रहे हैं तो खाली वो इफ को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो परफॉर्म कर देगा, अदरवाइज ट्रू नहीं हो रही तो एल्स को परफॉर्म करेगा। लेकिन ये तो दो कंडीशंस में हो सकता है, पर यहां तो 4-5 कंडीशंस हैं, माइंड भी आगे चल के और ज्यादा हो जाए। तो ऐसी सूरत में इफ के साथ और एल्स से पहले, इफ के बाद और एल्स से पहले, डायरेक्ट नहीं इफ के बाद, एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स इफ में और बार बार इफ लिखने में क्या फर्क है, देखिए उसमें यह फर्क हो जाएगा, जैसे ही वो इफ के ब्लॉक में घुसेगा पहला चेक करेगा नहीं है, दूसरा चेक करेगा नहीं है, तीसरा चेक करेगा अगर है तो बाकी सारे ब्लॉक्स को चेक नहीं करेगा। नहीं चेक करेगा तो इससे दो फायदा हुआ, एक तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, दूसरा ये फायदा होगा कि आपका सीपीयू ज्यादा बिजी नहीं रहेगा। बार बार इफ लिख के मतलब इसी काम को 5 दफा इफ लिख के मैं करूंगा तो पांचों इफ को चेक करेगा भले पहले में ट्रू हो जाए, इससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपकी स्लो रहेगी और सीपीयू ज्यादा बिजी रहेगा।
दैट्स द लॉजिक कि हम else if को इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब else if को कैसे करेंगे, सेम else लिखना है और आगे वही चीज को आपने रिपीट कर देना है else if, लेकिन इसके बाद और else से पहले, और यहां पे कंडीशन को आप क्या चेंज करते जाएंगे टू, और फिर आ जाए इसके ब्रैकेट के बाहर और यहां पे else लिखा हमने और फिर ये if लगा दिया, ठीक है। फिर हमने यहां पे थ्री कर दिया, कंडीशन को चेक कर लिया और फिर यहां से आगे चले गए और फिर हमने यहां पे else लिख लिया और फिर यहां पे इसको लगा दिया और कंडीशन को यहां पे फाइव कर दिया। वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं, तो मैं तो ऐसे करता हूं कि यहां पे डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कॉपी और यहां लगे क्या किया कंट्रोल वी पेस्ट, फिर यहां पे गया कंट्रोल सी कॉपी। अब यहां पे देखिए कैप को मैंने कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल कर दिया मैंने, कंट्रोल सी कॉपी और यहां पे जाके मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कंट्रोल सी कॉपी, एक मिस हो गया, अभी शर्ट पैंट टी शर्ट, टी शर्ट रह गया बीच में से, ठीक है शर्ट के बाद टी शर्ट था, तो यहां पे अभी हम एक और ले लेते हैं एल्स, और ये चलो एल्स एक पूरा ही लेना पड़ेगा मुझे, कॉपी ये ले लिया हमने यहाँ पे शुरू में, ठीक है। ये देखिए ये आपका कोड ब्लॉक बन गया। अब यहां पर शर्ट्स की जगह पे क्या ले लेंगे हम, यहां से कंट्रोल सी कॉपी शर्ट्स, टी शर्ट का वेरिएबल नहीं बनाया मैंने, इंटीजर टी शर्ट्स, तो टी शर्ट को मैंने डायरेक्टली इस तरह से टी शर्ट्स और उसका प्राइस कर दिया 1500 रुपए, ठीक है। टी शर्ट्स कॉपी किया और यहाँ पे लाके ऑर्डर नंबर 2 पे 3 पे सेट करना है, तो ऑर्डर नंबर 3 ये है हमारा, 3 हो गया और यहाँ पे टी शर्ट्स को सेट कर दिया, 4 पर कैप सेट करना है, 5 पर शूज सेट करना है, तो ठीक है मेरा ये पूरा ऑर्डर बन गया 1 2 3 4 5। एल्स में क्या लिखेंगे, अब एल्स में कोई अगर बेतुकी चीज लिख देता है कोई जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो उसको आप एल्स में डिफाइन कर दें, मतलब इसके अलावा को अगर कोई भी और काम ले रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिख दें, जहाँ यहाँ पे लिखेंगे गेट बेल की वैल्यू को 0 कर देंगे और एक मैसेज आप दिखा सकते हैं सी आउट लेस देन, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो इनवैलिड एंट्री एरर कोड भी बना सकते हैं, एरर कोड 05 इनवैलिड एंट्री प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है ये हमने लिख दिया सी आउट लेस देन एंडल, दोबारा एंडल लगा दें, ठीक समझ में आ गई बात ये। सो नाउ अब देखते हैं क्या हो रहा है, आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आउटपुट तो अभी हमने बनाया हुआ ही नहीं है इसका, तो अभी ये तो ये काम होगा कि जैसे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा और फिर ये आगे चला जाएगा। सिमिलरली अब इसके अंदर एक चीज और एड करनी है, सी आउट एक मैसेज भी दिखा दें एंड लाइन करके एंड एल दो, और यहां पे हम एक मैसेज लिख रहे हैं लेस देन यहां पे आ रहे हैं सेमी कॉलन के ऊपर, और वो मैसेज हम ये लिख रहे हैं, मैसेज हम क्या बता रहे हैं शर्ट You have placed order for shirt, ठीक है ये आ गया, और अब इसका बिल बनाना है हमें, तो बिल बनेगा इसका नीचे जाके यू हैव प्लेस ऑर्डर फॉर शर्ट, तो यहां पे हमने इसको कॉपी किया सेम इस पे पेस्ट किया टी शर्ट पैंट था यहां पे ओके। फाइनली रिजल्ट कैसे बनाएंगे, यहां पर आएंगे सी आउट में, तो यहां पर हम करेंगे एक वेरिएबल देंगे ऊपर, सारा काम इंटीजर में हो रहा था इंटीजर ही लेते हैं इंटीजर टोटल, ठीक है और असाइनमेंट 0 कर दिया उसको, नीचे आके हमने कहा टोटल, ठीक तो अब उसके ऊपर टैक्स कितना लगना है उसका आउटपुट इस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई सी आउट लेस देन डबल आउट्स के हमने यहाँ पे एंड एल लिए दो, एंड एल दो लिए, यहाँ पे हमने एक और लेस देन लगाया एंड एल लिए और यहाँ पे एक और लेस देन लगाया। अब यहाँ पे कहा कि भाई तो उसका एक मैसेज तो आ ही गया, अब नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए
टोटल अमाउंट्स। अब अमाउंट के आगे अमाउंट की वैल्यू आनी चाहिए। अब उसमें कैसे लेंगे, यहाँ पे लेस देन गेट बिल में वो अमाउंट आ गया है, ठीक है, गेट बिल में तो अमाउंट आ गया, ये अमाउंट वहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। लेस देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके डॉट लगा दिया और आगे दो जीरो हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, ताकि ये आउटपुट ऐसे आए। तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है, इसका आउटपुट रन करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ गया, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन कहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे नहीं लगा है, सेमी कॉलन आ गया। फिर क्या कह रहा है, बिफोर सी आउट, यहाँ पे भी नहीं लगाया। फिर यहाँ पे देखते हैं कहाँ बता रहा है, चल पड़ा हुआ मेरा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया टू पेंट्स, यू हैव प्लेस ऑर्डर फॉर पेंट्स, टोटल अमाउंट 2000, सही, समझ में आ रही है। अब चलते हैं नीचे, इस पर टैक्स कैसे लगाना है। तो नीचे आएगी जो टोटल वाला वेरिएबल लिया, उससे पहले हम इसी लाइन को लिखते हैं टैक्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पे हमने एक एंडल हटा दिया क्योंकि उसके साथ ही दिखाना है। यहाँ पर आ गया टैक्स। अब टैक्स कितना परसेंट है वो हमने पहले ही लिख रखा है। तो यहाँ पे टैक्स की आगे वैल्यू दिखा दी हमने, सपोज टू बी टी एक्स के नाम से वेरिएबल है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे जाके ये आगे जाके परसेंट का साइन आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे करना है, ठीक, टैक्स आ गया। अब टैक्स के लिए लॉजिक क्रिएट करें, क्या लिख रहे हैं आप, टोटल असाइनमेंट इज इक्वल टू गेट बिल इन टू, कैसे निकालते हैं टैक्स, अच्छा, इन टू टैक्स, ब्रैकेट को ओवर करेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट एंड देन ओवर, इसके बाद इसको इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, सेमी कॉलन। तो ये आपका आ गया इस तरीके से टोटल गेट बिल टू 100। यहाँ पे आपने इसको एक ब्रैकेट और लगाना है, और फिर आपने फाइनली इसका टैक्स भी दिखा दिया, और यही फिर आपने कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे देना है, यहाँ पे लिखना है नेट अमाउंट, और फिर आपका दिखाना है यहाँ पे टोटल। ठीक है, नेट अमाउंट आपका जीरो हो गया, टोटल अमाउंट जीरो हो गया दोनों के अंदर, ठीक है, नेट अमाउंट भी जीरो हो गया। दोबारा देखते हैं क्या मिस्टेक कर दिया इसके अंदर, गेट बिल फोर नंबर दिया था हमने, अच्छा यहाँ पे देखिए एक एरर है, इसको एरर को स्ट्रक कर देते हैं, आप देखते हैं। तो ये देखें, यू हैव प्लेस ऑर्डर फॉर कैब, टोटल अमाउंट 500, टैक्स 15%, नेट अमाउंट 75, ठीक है, 75 इस पे आ गया। तो 15% टैक्स के हिसाब से अमाउंट कितना बना वो भी आगे लिखवाना था इसको, तो इसके आगे ही दिखा देते हैं हम सी आउट करके, यहाँ पे इधर आ गया टोटल के अंदर। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि भैया टोटल में ये अमाउंट आ गया है, तो यहाँ पे अब ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जीरो जीरो लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। अब टैक्स को प्लस करना है तो इससे टोटल के अंदर, और गेट बिल में वो है हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल, वंस अगेन असाइनमेंट, टोटल प्लस गेट बिल सेमी कॉलन, ओके, चेक करते हैं। थ्री, तो कह रहा यू हैव प्लेस ऑर्डर फॉर टी शर्ट, टोटल अमाउंट 1500, टैक्स 15%, टैक्स 225, नेट अमाउंट 1725, सही है ना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बेहतर इसका आउटपुट करना चाह रहे हैं तो मेन्यूज में इनके प्राइस भी साथ साथ लिखते जाएं, जैसे कि यहां पर आप स्पेस देके आगे इनके प्राइस देते जाएं, दो दो स्पेस देके ऐसे दो स्पेस और रुपीज 1500, ताकि यूजर को आइडिया रहे। अगर आप यहाँ पे 1500 डायरेक्ट भी नहीं लिखना चाह रहे तो रुपीज लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंडल, और क्योंकि ऊपर आपने ले रखे इनके ये वेरिएबल्स, तो यहाँ से शर्ट्स ले लेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दो एंड एल लगा के जरा इस पर लगाएंगे और इस पर स्पेस देके 0.00 इस तरह से प्लेस कर देंगे, सबके साथ ऐसे करेंगे तो आपका जरा आउटपुट प्रोग्राम का अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपने इस तरह से कर लेना है, बाकी प्रोग्राम के साथ भी, तो ये फिर पूरा ही बन जाएगा।